अरे शोना, आप इस आइसक्रीम पार्लर पे नहीं आ सकती हैं? क्यों, किसी के डैड का राज है क्या? मैं वहीं जाऊंगी। अरे ये कुल्फी वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बासी होती है, बासी बहुत गंदी आइसक्रीम बनाता है ये, फटे हुए दूध की आइसक्रीम बनाता है। बासी आइसक्रीम, ये कब से हो गया? अरे हाँ, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है इसकी आइसक्रीम खा के। क्या, पर ये तो फेमस जगह है। अरे हमने कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ा है सोना, यहाँ के लोग दो मर गए पता है यहाँ की आइसक्रीम खा के। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी यहाँ की आइसक्रीम। हाँ ओके, सी या। क्या क्या कह रहे थे आप हमारे आइसक्रीम सेंटर के बारे में? क्या बोल रहे थे? कुछ भी नहीं, क्या बोलेंगे? अरे इतना बढ़िया आइसक्रीम पार्लर है तुम्हारा, इससे अच्छी आइसक्रीम तो कोई बनाते ही नहीं दुनिया में। सबसे अच्छी होती है यहाँ की आइसक्रीम, एक दे देना। कौन सी? चॉकलेट फज दो। ये क्या था तुझे सिर्फ एक ही? आप अपने लिए लेके नहीं आए? वो हमें एक क्लाइंट का फोन आ गया था, आप खाइए ना, हम अभी वो क्लाइंट से मिलके आते हैं, ये पीछे वाली गली में ही। ठीक है। ओ हाय, अरे वाह, वाओ यार सैट्स, अमेजिंग, इतना जल्दी, आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ थैंक यू, वो इंग्लिश में थोड़ा हार्ड टाइट है हमारा, हिंदी में तो हम कर लेते हैं। अरे डोंट वरी, मैं भी घर जाते ही सबसे पहले इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी और कल सुबह सबमिशन के लिए ले आऊंगी कॉलेज, ठीक है? वो हम ये सोच रहे थे कि परी हमारा मतलब परी मैम से ये सब छुपाना ठीक नहीं रहेगा ना? अरे नो नो, नॉट एट ऑल, इनफैक्ट वो तो खुश होंगी जब उनको ये पता चलेगा कि हम दोनों ने अपनी डिफरेंसेस भुलाकर दोस्ती कर ली है। एंड यू डोंट वरी, जस्ट बी रेडी, कल कॉलेज में झटका खाने के लिए तैयार रहना, शॉक ऑफ योर लाइफ, आई मीन परी मैम को सबसे बड़ा शॉक जो कल मिलने वाला है। अच्छा हम चलते हैं। हेलो, आप कहाँ रह गए सतू जी, हम कब से वेट कर रहे हैं आपका? हम बस दो मिनट में आए। अच्छा हम चलते हैं, और हमें पूरा भरोसा है आप पे कि आप कर देंगे। ओके बाय बाय। सैट्स सतू जी, ये इंतजार आपका कभी खत्म नहीं होगा। यू टफा अंकल, जस्ट वेट एंड वॉच, असली मजा तो कल सुबह आएगा। ये आपने बनाया है? जी 100% हमने बनाया। ये क्या बेहूदापन है? एजुकेशन को आपने मजाक समझ के रखा है? ये रिपोर्ट के नाम पे क्या बना दिया आपने? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? क्या आप हम सब टीचर्स को बेवकूफ समझते हैं? रोल नंबर 21, ये ऐसी रिपोर्ट आपने क्यों सबमिट की हमें? मैम हो सकता है कि इनको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ना हो। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी हरकत करते हुए, शायद यही वजह है कि इस उम्र में भी आपको इन छोटे छोटे बच्चों के साथ में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। शिक्षा भी इतनी सस्ती नहीं हुई है आप इसे पैसों के बलबूते पर खरीद सके। आपने जो भी बेहुदा हरकत की है उसकी आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ताकि आइंदा और कोई स्टूडेंट इस तरह का मजाक करने के बारे में सोचने से भी डरे। मिस परी, ये हरकत इन्होंने आपके सब्जेक्ट में और आपकी क्लास में की है, तो इन्हें सजा देने का काम भी आप ही करिए। अब पड़ा परी मैम का थप्पड़ इस ओवर स्मार्ट अंकल को, शोना से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है वो अब पता चलेगा। हमने बनाया था प्रोजेक्ट, ये सारी गलती शोना की।
सभी देख रहे हैं मिस्टर सत्येंद्रा कि गलती किसकी है। देखिए मैम, आपको पूरी बात बताता हूँ। हमने प्रोजेक्ट हिंदी में बनाया और इनको दिया था इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने हमसे कहा था कि हमारी मदद करें। और ये व्हाट नॉनसेंस, चिल्लाया ही इस मैन, मैं भला इसकी हेल्प क्यों करूंगी। इनफैक्ट पूरी क्लास जानती कि मैं इससे बात तक नहीं करती, तो हेल्प तो दूर की बात है। परी मैम, आप यहाँ क्यों किया तुमने ऐसा? किस बारे में बात करिए आप मैम? रोल नंबर 21, रोल नंबर 21, उन्होंने जो कुछ भी आज क्लास में कहा उनकी आंखों में हमें सच्चाई दिख रही थी। जवाब दो हमें। हाँ मैंने किया, मैंने बदला रोल नंबर 21 का प्रोजेक्ट सबमिशन से पहले, और जो भी मैंने किया ना, इट डिजर्व्स इट। सोना, आखिर ऐसा क्या किया है रोल नंबर 21 ने तुम्हारे साथ कि तुमने इतना सब? वो लड़का जो अभी कुछ दिन पहले कॉलेज आया है, उसकी आंखों में आप सच पड़ने लगी है मैम। पर तुम लोगों ने ये रेडीमेड कपड़े क्यों खरीद के लाए हो? जहां तक मुझे याद है, तुम लोग बाजार से कपड़े लाकर खुद अपने हिसाब से बनाने वाली थी। उन सब का टाइम कहाँ है मां साहब, इसलिए अब हम इन्हीं कपड़ों पे अपना लेबल लगा के देंगे। पत्ते झड़ जाएंगे यानी तो। मां साहब, हम लोगों ने पूरे 15 लाख का माल खरीदा है, ये तो सिर्फ सैंपल है। हाँ। पूरा माल आना तो अभी बाकी है, फिर होगा मुनाफा। ये मुनाफा नुकसान सब ठीक है, फिर भी मैं दोबारा बताती हूँ, सामान देने से पहले पैसे ले लेना। एक बार सामान चला गया ना, उसके बाद पैसे मांगना और मिलना दोनों मुश्किल होता है। मासा, फिर से वही बात। सतु जी, आप हमसे नाराज है ना सतु जी? हम जानते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं थी, हम जानते हैं कि आपने झूठ भी नहीं बोला, पर हम क्या करते, एक टीचर होने के नाते हमें ये सब करना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए सतु जी, प्लीज। हम नाराज आपसे नहीं है परीक्षा, हम खुद से नाराज हैं, और खुद से नाराज इसलिए हैं क्योंकि एक पति होने के नाते हमें आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हमने आपसे ये शोना से प्रोजेक्ट करवाने वाली बात छुपाई, और ये सब हमने आपको सरप्राइज देने के चक्कर में किया। गलती की हमने, और देखिए ना, उसकी सजा भी हमको मिल गई। कैसी सजा? मैं तुम दोनों से ही पूछ रही हूँ, बताओ। मैं तुम दोनों की माँ हूँ, शक्ल देखकर पता चल रहा है कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। गाइस, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। उस प्रोजेक्ट को लेके जो कुछ भी हुआ था, वो सब मेरी वजह से हुआ। अब तो मैंने सच बोल दिया, तो मुझे माफ कर दीजिए। I'm extremely sorry. तुम्हारी सॉरी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कल के कल अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, वरना मुझे तुम्हें रस्टिकेट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचेगा।